आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और एक ऐसे शायर से दरखास्त कर रहे हैं जो हम उस शायर के बारे में ये बता देना चाहते हैं कि जब वो माइक पे गजल पढ़ता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे सच्चाई के परचम पर ला इलाहा लिखने का अमल जारी हो, और जब वो धीमे सुरों में गीत पढ़ता है तो साहिल की हवाएं अत खुले होठों में प्यासे गीत लेकर साये गुल में सिमट जाती हैं। आइए इन चार मिसरों के साथ हम उसे जहमत सफन दे रहे हैं कि कितनी शिद्दत से महफूज भाई, कितनी शिद्दत से तुझे हमने सराहा, आहा, कितनी शिद्दत से तुझे हमने सराहा, आहा, तेरी परछाई को भी टूट के चाहा, आहा, कितनी शिद्दत से तुझे हमने सराहा, आहा, तेरी परछाई को भी टूट के चाहा, आहा, और शेर कहना हो तो यूं कह के तेरे दुश्मन भी, शेर कहना हो तो यूं कह के तेरे दुश्मन भी दुश्मनी भूल के चिल्ला उठे आहा 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 आहा। मेरी मुराद है जनाबे साजिद हयात से कि आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपनी गजल से सामईन को नवाजें। एक मिनट में देख रहा हूं कि शुरू से ऐलान किया गया कि सिर्फ चार शेर, लेकिन अब तक एक शायर को दो शायर को छोड़ो किसी ने इस बात को का नोटिस नहीं लिया। आप अपने अंदर मानने का जज्बा पैदा करें, किसी मजबूरी के तहत कैद लगाई जाती है, गोसी से मेहमान है इस प्रोग्राम में, बीच में देखा आपने कि कुछ और प्रोग्राम हो, लिहाजा बात को समझने की कोशिश करें। चार शेर मतलब सिर्फ चार शेर, ये कोशिश मत करें कि हम एक कथा पढ़ेंगे दो शेर अलग से पढ़ेंगे फिर दो शेर पढ़ेंगे। अगर आपका नंबर बाद में आए, आप अब तक न पढ़ रहे हो, आपका नंबर बाद में आता तो आप पर क्या गुजरते, लिहाजा आप किसी को न कहना पड़े, सिर्फ चार शेर पढ़ना था आपको, इसलिए अभी 11-12 शेर बाकी हैं, घोषित मेहमान भी आए हैं, इनका ख्याल करें आप। डाइस की जलवा फरोज मौजूद शोर इब्राहिम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे मौलाना एहसानुल्लाह आजमी साहब और नायब सदर जनाब मौलाना जहर अहमद साहब फैजी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे उस्ताद मोहतरम अली जनाब फैसल यजदानी साहब, तमाम लोगों को शरीक करते हुए यहां से बिल्कुल तमीज न बांधते हुए मतला हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि आंगन की रौनकों को मिटाने नहीं दिया, मिटाने नहीं दिया, आंगन की रौनकों को मिटाने नहीं दिया, मिटाने नहीं दिया, आंगन की रौनकों को दीवार नफरतों की, दीवार नफरतों की उठाने उठाने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां से शेर हाजिर कर खास मुलाजा पर मैं कि मैं अपने घर का एक अकेला चराग हूँ। मेरे वालिद मोहतरम भी तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं लेते हुए शेर पेश करता हूँ मुलाहजा फरमाएं कि मैं उसके घर का एक अकेला चराग हूँ, अकेला चराग हूँ, मैं उसके घर का एक अकेला चराग हूँ, मैं उसके घर का एक अकेला चराग हूँ, पर देश मान इसलिए जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, पर देश मान इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया वालिद मोहतरम ने अपनी दुआओं से नवाजा, शुक्रगुजार उनके। पेश करता हूँ एक शेर और पेश करता हूँ, बड़े भाई सालिम अंसारी साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि लख तेज जिगर है नींद के
आगोश में अभी, आगोश में अभी लखते जिगर है नींद के, आगोश में अभी, आगोश में अभी कि लखते जिगर है नींद के, आगोश में अभी लखते जिगर है नींद के, आगोश में अभी। अरे मैयत ये कह के माने, मैयत ये कह के माने, उठाने नहीं दिया, उठाने नहीं दिया। जी शुक्रगुजार हूं आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस इसी दुआ के साथ मकता भी मुलाहजा करें, पेश करता हूं बतौर खास मुलाहजा करें। कि साजिद जवान बेटी पड़ी घर में रह गई, पड़ी घर में रह गई। कि साजिद जवान बेटी पड़ी घर में रह गई, पड़ी घर में रह गई। कि साजिद जवान बेटी पड़ी घर में रह गई। अरे डोली को मुफलिसी ने, डोली को मुफलिसी ने उठाने नहीं दिया, डोली को मुफलिसी ने सजाने नहीं दिया। बहुत ही उम्दा कलाम पढ़ के रुख्सत हुए जनाबे साजिद हयात साहब। आइए हम साजिद हयात साहब के बाद